press the bell icon for all the updates. आदित्य और जोया की जिंदगी का सबसे खतरनाक सच, दोनों के पार्टनर्स का हाथों में हाथ डालकर हुआ देहांत। क्या यश और पूजा ने चीट किया जोया और आदित्य को? आखिर किस तरह उनका सच आएगा सबके सामने? क्या किस्मत से मिले आदित्य और जोया की जिंदगी में आएगा फिर एक बार प्यार? आइए जानते हैं कहानी अब तक में। आदित्य और जोया को किसी न किसी तरह किस्मत मिला ही देती है। आदित्य जोया की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, पर फिर भी हर मोड़ पर जोया उन्हें मिल ही जाती है। जोया को लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जो उन दोनों को बार बार मिला रहा है। उसे लगता है आदित्य माने या ना माने, चाहे या ना चाहे, पर उन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शायद इसीलिए दोनों को एक दूसरे के सामने बार बार ले आती है तकदीर। जोया जब यश के ऑफिस में जाती है तो वहाँ माही उसका स्वागत करती है। ये वही माही है जिसने एक दिन पहले जोया को अपने घर घुसने नहीं दिया था। जोया यह देखकर हैरान हो जाती है। दरअसल माही को पता चल गया है कि यश ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और अपना घर जोया के नाम कर दिया है, और इसीलिए माही जोया से इतने प्यार से बात कर रही है। माही जोया को अपने जाल में फंसाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती है। आदित्य और जोया फिर एक दूसरे से एक सुपरमार्केट में टकराए, जहां दोनों के सामने आया यश और पूजा का एक शॉकिंग फोटोग्राफ। क्या ये देखकर जोया का भरोसा उठ जाएगा अपने पति से? क्या वो आदित्य की बात मान लेगी कि उन दोनों के पार्टनर्स उन्हें चीट कर रहे थे? आदित्य खुद को संभालता है और ये डिसाइड करता है कि पूजा की हिस्ट्री वो निकाल कर रहेगा। वो इस चीज की छानबीन करेगा कि आखिर क्या गलत हुआ उसकी और पूजा की शादीशुदा जिंदगी में। इसके लिए वो पूजा की डायरी की तलाश में लग जाता है, वो पर्सनल डायरी जिसमें पूजा ने अपने सारे सीक्रेट्स लिखे थे। जोया अपनी जिंदगी समेट कर एक नई शुरुआत करने की ओर बढ़ रही है। यश की डूबी हुई कंपनी को एक नई रोशनी देने की कसम खाती है जोया, पर दूसरी तरफ आदित्य के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा है। वो अब जोया और यश की कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, और जोया के ऑफिस पहुंचने के पहले ही वो खुद ऑफिस आ जाते हैं। आखिर क्या होगा आगे? किस्मत से मिले जोया और आदित्य क्या एक दूसरे के करीब आएंगे, या एक दूसरे के लिए उनकी नफरत बरकरार रहेगी? आपको क्या लगता है? अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए।